रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का होगा आगाज। क्या रूस करेगा यूक्रेन पर हमला? विश्व युद्ध की दस्तक। वक्त के साथ साथ तनाव काफी बढ़ रहा है और इसी के साथ युद्ध की आशंका भी बढ़ती जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बादल गहरा गए हैं। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन की सीमा पर 130,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हो गए हैं। इनमें से 225,000 जवान थल सेना और 18,000 जवान नौसेना और वायुसेना के हैं। और यूक्रेन को अब रूस ने तीनों ओर से घेर लिया है। इतना ही नहीं, रूस के कई ऐसे खुफिया सैनिक यूक्रेन में मौजूद हैं, जो वक्त आने पर यूक्रेन के बुनियादी ढांचे जैसे गैस और बिजली पर साइबर अटैक कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर राजनैतिक भूचाल भी ला सकते हैं। इन सब के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने दूतावास को स्थानांतरित करने का फैसला किया है। कई कर्मचारियों को यूक्रेन छोड़ने का आदेश भी मिला है। यूक्रेन के साथ अमेरिका और ब्रिटेन समेत यूरोपीय देश और नाटो भी हैं। इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों की ओर से रूस पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी गई है, लेकिन लगता है रूस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की थी। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात की थी। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो रूस ने यूक्रेन को पूर्वी दिशा से घेरने के साथ दक्षिण में क्रीमिया और उत्तर में बेलारूस की तरफ से घेर लिया है। रूसी सैनिकों ने हमले की तैयारी पूरी कर ली है। हालांकि ऐसा करने पर यूरोप और जापान रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। रूस दोगला रवैया अपनाए हुए है। कभी वो राजनैतिक समाधान के लिए तैयार दिख रहा है तो कभी बिल्कुल विपरीत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश मुख्यमंत्री बोरिस जॉनसन का मानना है कि स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है, जिसे जल्द से जल्द ठीक करना आवश्यक हो गया है। उन्हें इस बात का भी डर है कि यदि युद्ध होता है तो रूस के लिए बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन स्थिति को सुधारने के प्रयास में पूरे यूरोप में नई कूटनीतिक चर्चा की योजना बना रहे हैं। अमेरिका ने नाटो के समर्थन में 3,000 सैनिकों को यूरोप भेजा है और अन्य 3,000 को पोलैंड भेजे जाने की उम्मीद है। बाइडेन प्रशासन अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर रूस पर दोबारा हमला करने पर उसे दंडित करने की साहसिक योजना पर काम कर रहा है। पुतिन के पास दो विकल्प हैं। तनाव को कम कर यूक्रेन पर कोई हमला ना करे, यह सही तरीका होगा, लेकिन ऐसा कर वो खुद को कमजोर साबित करना नहीं चाहेगा। और दूसरा विकल्प है पूरी तरह से हमले की घोषणा करना। पुतिन ने जो हालात बनाए हैं, फिलहाल रूस का उससे पीछे हटना नामुमकिन है। इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता और ना ही राजनैतिक समझौते की संभावना से इनकार किया जा सकता है। हो सकता है कि रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका महीने तक गतिरोध में रहें। हालातों के बीच यूक्रेन फंस गया है और रूस खतरे में है। यह इस बात का संकेत है कि युद्ध की संभावना है। ऐसे में इस सवाल का उठना लाजमी है कि युद्ध की स्थिति में भारत किसका साथ देगा? क्या भारत राजनीतिक बैलेंस बनाने में कामयाब होगा? जाहिर है अमेरिका इस मामले में भारत को अपने पक्ष में देखना चाहेगा, लेकिन राजनैतिक दौर पर भारत रूस के भी करीब है। भारत काफी समय से रूसी रक्षा हथियारों का खरीदार रहा है, वहीं चीन तो आक्रामक बना हुआ ही है। ऐसे में रूस का साथ भी भारत के लिए जरूरी है। यही वजह रही कि 13 जनवरी को भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन तनाव पर चर्चा के लिए हो रही वोटिंग में भाग नहीं लिया, लेकिन चर्चा के दौरान भारत के प्रतिनिधि ने इस मुद्दे को शांति से हल करने की बात रखी। भारत के लिए असमंजस की स्थिति बन गई है और भारत इससे बचना चाहेगा। वाकई भारत के लिए यह मुश्किल घड़ी है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत के लिए निष्पक्ष रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन लोग फिलहाल यही उम्मीद कर रहे हैं कि मामला शांति से सुलझ जाए। पूरी दुनिया अभी कोरोना महामारी के संकट से उभर रही है। ऐसे में लोग युद्ध जैसी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। देश और दुनिया की ऐसी अहम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।